कक्षा 9वीं विषय हिंदी, पाठ का नाम हमीद खां, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर। यहां से मैं माधव नागराले आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम उस कहानी की ओर चलेंगे जिस कहानी का नाम है हमीद खां। आपके समक्ष दो पाठ्य पुस्तक मैंने रखे हैं, एक स्पर्श है, एक संचयन है। ये जो संचयन जो पाठ्य पुस्तक है ये पूरक पाठ्य पुस्तक मानी जाती है, परीक्षा में हमेशा 6 अंकों के लिए पूछी जाती है। और इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ है हमीद खां। चलिए हम हमीद खां के बारे में देखते हैं, इस पाठ का सारांश और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिया गया एक संदेश हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम एक चलचित्र के माध्यम से हम देखना चाहते हैं किस प्रकार से लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक दिन लेखक समाचार पत्र में एक खबर पढ़ते हैं, तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है वहां पर आग अजनी। यह खबर पढ़ते ही लेखक को हमीद खां नाम के एक व्यक्ति की याद आ जाती है। इस व्यक्ति से लेखक की जान पहचान तक्षशिला में हुई थी, जब लेखक तक्षशिला भ्रमण के लिए गए थे। खबर पढ़ते ही लेखक उनके लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगने लगते हैं। 2 साल पहले की बात है, जब लेखक तक्षशिला गए थे वहाँ के पौराणिक खंडहर को देखने के लिए। तक्षशिला में कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण लेखक का हाल बुरा हो रहा था। वे रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील दूरी पर ही बस से एक गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ पर उन्हें तंग बाजार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी हुई जगहें दिखी। चारों तरफ होटल का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं कहीं तो उन्हें सड़े हुए चमड़े की दुर्गंध आ रही थी। अचानक लेखक को एक होटल दिखाई दिया जहाँ पर गर्मा गर्म चपातियाँ सेकी जा रही थी। लेखक अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उस दुकान में प्रवेश करते हैं। उस दुकान में एक अधेड़ उम्र का पठान था जो चपातियाँ बना रहा था। लेखक खाने के बारे में पठान से पूछते हैं, तभी दुकानदार लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहता है। दुकानदार चपातियाँ बनाते समय लेखक से पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। लेखक दुकानदार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर स्थित मद्रास के आगे मालाबार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दुकानदार फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप हिंदू हैं और मेरे इस मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक हामिद या दुकानदार से कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कहीं भी बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम लोग बिना कुछ सोचे मुसलमानी होटलों में ही जाते हैं। हामिद लेखक के इस जवाब पर विश्वास नहीं कर पाता। लेखक हामिद से कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं होता। हामिद लेखक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर कहते हैं, काश वह भी यह सब देख पाते। हामिद लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाते हैं। लेखक खाना खाकर हामिद को 1 रुपये देते हैं, परंतु हामिद उस रुपये को लेने से इनकार कर देते हैं। लेखक के बहुत कहने पर हामिद पैसे ले लेते हैं और वापस उस पैसे को लेखक को देते हुए कहते हैं कि मैंने आपके पैसे ले तो लिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस पैसे से वापस हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के इस हामिद भाई को याद करें। लेखक वहाँ से खाना खाकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद लेखक उस हामिद भाई को कभी देख नहीं पाते। लेखक ने इस कहानी में उस हमीद भाई को याद किया है, जो हमीद भाई एक लेखक के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद परम मित्र बने थे, मगर लेखक आज भी हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि रोटी से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता है। चाहे हमारे प्रदेश अलग हो, चाहे हमारी बोलियां अलग हो, हमारा मजहब अलग है, धर्म अलग है, मगर सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इसी धर्म को, इंसानियत नामक धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। और यही एक संदेश लेखक ने इस पाठ के माध्यम से आपके सम्मुख रखा है। हम कभी भी अपने जीवन में इंसानियत इसी धर्म को आगे बढ़ाएंगे और बाकी धर्मों को नजरअंदाज करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ मैं आज की तासिका खत्म करता हूं। धन्यवाद।